हाँ भाई सब बढ़िया, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप बढ़िया नहीं रहने वाले हैं। वो वीडियो किसकी है? जवाहर सिंह बेडम की। पहले छोटे से क्लिप देख लीजिए, बाद में इसके बारे में चर्चा करेंगे। जिन टटलू बाजों ने, जिन ओएलएक्स बाजों ने आम आदमी की जिंदगी को खराब कर दिया था, बहुत से लोग सुसाइड कर गए, परेशान कर दिया, दुनिया भर के पैसे को लूट करके अनैतिक गतिविधियां जिन्होंने चालू कर दी, योगी जी जिस दिन आए थे नगर में उस दिन मेरे कान में कह के गए थे, चुनाव जीत जाए तो जेसीबी खड़ी है, बुलडोजर खड़े हैं, उनको ले आना। एक गोवर्धन से लाया हूँ और एक भजन लाल जी ने दे दिया, दो बुलडोजर चल रहे हैं उनका, खराब थर मकानों को। समझ में आया इसने क्या कहा? इसने क्या कहा मैं बताता हूँ। चुनाव जीतने से पहले नगर में योगी आदित्यनाथ आए थे और इसके कान में कह के गए थे कि अगर आप चुनाव जीतते हो तो मेरे घर पर खारी बिल्डोजर रखे, उनको ले आना, इन मेवातियों का मकान तोड़ने का। चलिए आगे और सुनिए क्या कहा है। अपराधियों से डरता नहीं हो, गुंडा कितना भी बड़ा हो उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है। अमन चैन और शांति स्थापित करना प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी का जो सपना है उसको हम पूरा करने का काम कर रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ आप तो मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं। हाँ भाई, आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी जवाहर सिंह बेडम की। इसने सीधा सीधा सिर्फ मेवो पर अटैक किया है, किस वजह से? चाहे वो ओएलएक्स का नजरिया हो, चाहे फिर दुश्मनी का नजरिया हो। जी हाँ दोस्तों, आप सभी देख रहे होंगे मेवात के अंदर कभी रूंद के अंदर मकान तोड़ जा रहे हैं, कभी पापड़ के अंदर मकान तोड़ जा रहे हैं, कभी बने नहीं, कभी झेंझ परी। मेवात के अंदर ऐसे बहुत सारे मकान तोड़ दे गए और किन किन मकानों की तो करोड़ों करोड़ रुपए की कीमत। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता, कोई भाई ओएलएक्स करता था, कोई भाई की जमीन पोखर की थी, या फिर किसी भाई की जमीन सरकारी थी, ये बताया जा रहा है। जिस जमीन पर हमारे मेवाती भाई पुरखों से रहता आए हैं वो अब पोखर की जमीन बताकर उन मकानों को फोड़ दिया जा रहा है। ये अन्याय है या फिर आप सभी को क्या लगता है कमेंट के अंदर जरूर बता देना। तो दोस्तों, ऐसी एक नोकचंद चौधरी की वीडियो है, उस वीडियो को हम आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे किस तरह जो मेवात को टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, चाहे फिर पुलिस प्रशासन की तरफ से हो, चाहे MLA सरपंच वगैरह सभी की तरफ से, सिर्फ मेवात को ही टारगेट किया जा रहा है। जो भाई मेवात के अंदर रोजगार है उनको बेरोजगारी की तरफ ले जाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है हमारी पूरी जिंदगी की पूंजी लग जाती है एक मकान बनाने में, अगर वो आपके सामने फूट रहा है तो आपको क्या लगेगा? दिल से बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि हमारी जिंदगी की कमाई इस मकान के अंदर लग चुकी है। और आप सभी को पता है पूरी जिंदगी लग जाती है ऐसा मकान बनाने में, फिर आप उनको सेकंडों में बर्बाद करते होते हो, फिर सोचते भी कैसे हो ये लोग ऐसा मकान दोबारा बना सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक लेवड़ा गांव की खबर थी जो कि बताया जा रहा है कि उस पर भी ब्लैकमेल साइबर अपराध का केस था, लेकिन उसने मना किया था कि मेरे पास ऐसा कोई केस नहीं है, फिर भी उसका मकान फोड़ दिया गया वन विभाग के जमीन के कारण। सभी को क्या लगता है, ये एक पर्सनल मुद्दा है या फिर जो सरकारी नियम है उनकी तरफ से उनको टारगेट किया जा रहा है? तो कमेंट के अंदर जरूर बता देना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि सभी को पता चल जाए जो हमारे मेवात के नेता है वो किस तरह मेवात के बारे में सोचते हैं। इस मेवात को आगे ले जाने की बजाय बार 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 उस रास्ते में खड्डा कर रहे हैं, ना ही कोई शिक्षा की बात कर रहा है, जन समस्या की बात कर रहा है, बस ध्यान किस पर दिया जा रहा है, जिनके अच्छे मकान हो उसको तोड़ना जरूरी है, चाहे वो इस तरह भी। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इसलिए सावधानी बरत कर रहिए, क्योंकि अपने आप से पार पड़ती है सरकार और सभी एक सिकंजा। तो बाबा, सलाम अलैकुम।